आम के डारा कोई नहीं बोले चिड़िया ना छे डारा डारा चिड़िया ना छे डारा डारा हे आम के डारा कोई नहीं बोले सुवा माचे कागज ला चिड़िया ना छे डारे डारा रे हो लड़का अपना ही बस्ता धरा शीघ्र जात है अपने पालक करता यानी माँ और बाप के पास चपरासी नहीं जाने आना नहीं तो जाने आना काया कालक भाता खात है बड़ो बड़ो खंडी अकेले धमक थे अकेले भाई आए भूखे और प्यासे कितना हम सही है माँ बाप हमारा भविष्य बिगड़ गए का करता माँ और बापा चले गए विराट के दरबार मा राजा विराट के दरबार मही हाय विराट से अपीला करे लगे हे विराट जी क्या चौकीदार रखे हाय क्या चपरासी रखे भोजनाला है गड़बड़ मामला है गड़बड़ मामला हाय दूरदराज से आए हुए अब साधु तार भात खवैया दादा अब जिंदगी माँ नहीं देखे आना जोन दिन से नौकरी में रह रहा भीम वह दिन से उसकी लिखित चले भीम लिख के दे दे रहा है भाई एक तो कहूँ रहो नहीं और जहां भी रहता हूं तो मैं बिना साल पूजे भागो नहीं माने एक साल की गारंटी है 365 दिन क्लियर हो जाएगा तो अपने आप में निकल जाऊंगा ये लिख के दे जरा हिस्टाम में भीम तो साल भर के लिए उसकी गारंटेट रहा तो राजा विराट का है भाई साल भर के लिए मैं साइन कर दिया हूँ उसको बेचारा को भगा नहीं सकता बीच में अब ये गड़बड़ कर रहा है तो उसका गलती है आपका है जो निपट सुर जो मैं तो भैया वचनबद्ध कर दिया हूँ तो बिगर साल पूजे वो भगे नहीं तो मार बाप दूसरा उपाय सोची कहा विराट जी ठीक है साल भर के लिए है इसके लिए साम दाम दंड भेद ना करेंगे तब तक साधु नहीं भगेगा इसके लिए उपाय ये है धरो शंख चक्र गदा यास्त्र शास्त्र भाला बंदूक और ढंग से पिटाई करो तो आए भगी नहीं हुआ जा घपा चक्र गदार हरि ने अस्त्र शास्त्र भाला बंदूक तोप जंजीर धरी ने भाई पालक करता मार बाप काका भतीजा सब पढ़ाइयन के बिगड़ रही सी जिंदगी खिलाने जे खेड़ेगा कछु न रहे दारा तो ने के घाती पत्थर धर लेने भीम खिलाने बुरी तरह मार पीट करा तो आए भगीरे ले साधु जाग हपाए गए से हरे हरे अब जाए लगिन भाई भंडारी के भोजनाला भोजनाला माराम भंडारी के छात्रवास में भैया वहाँ दिना भंडारी के जलाऊ बसर गए रहे भाई जलाऊ रे लकड़िया गा सूखी लकड़िया भीम के भाई हॉस्टल में लकड़ी की कमी हो गई जलाऊ की कमी हो गए तो बेचारे शीघ्र जंगल चले गए और जंगल में जाके बड़े बड़े तरकस झाड़ सूखा हुआ यानी उखठा हुआ झाड़न का अब कुल्हाड़ी भी न धर रहा है सखा तो इकट्ठे जड़ सहित उसे ले वो तो पर्वत लय हुई आदमी है पर्वत लय हुई देवता है वो महावीर और भीम में कोई फर्क नहीं है
तो सूखा सूखा झाड़ों को इकट्ठे बांधे और पर्वत के समान खंधा में लेके भीमसेन अपने अड्डा में पहुंच जाते हैं। हुन मरियन की भैया फट गए। सूखा लकड़ी तो खंधे पे है, हाथ में गदा है, और भीमसेन ऐसा रूप रेखा से देखा कि जैसे भक्त प्रहलाद के बारे में नरसिंह भगवान गुस्सा है, धनुष यज्ञ के बारे में बाणासुर कोप हुआ, भस्मासुर के बारे में विष्णु भगवान कोप हुआ, ठीक इसी तरह भीमसेन लाल नेत्र मेछों में हाथ फेरे और कंधा की लकड़ी खंधे भी है, गुस्सा है कि मात्र देख ही भर रहा है उन्हें मरैयन का। कहे ठहरो, आपको प्रणाम मिल जाएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा, आप ठहरो। भीम के अद्भुत रूप को देखा भैया, भीम की तेज तस्वीर वीरता को देखते हुए हाथ की अस्त्र शास्त्र हाथे छोड़ दिया और डर की मारे बेचारे भाग चले। दौड़ा था हाय देवता, यो दादा चले गए ने ब्राट राजा के दरबार वहां, दरबार वहां आय जाए के कान पक रहे, उठे बैठे आपकी दारी से भंडारी के, हाय बाय ना लगवो, बाय ना लगवो, भंडारी की बाय भैया नहीं लगा ना, साल भर तुम समय गुजारने दो, बेचारा को जो खाता है उसको खाने दो। गैप सर्टिफिकेट बनवाए के जी बूता आने साल लड़कल का फेरे, यानी कि पुनः भर्ती करा दे। इस प्रकार से भाई शांत वातावरण हुआ, भीम की तो फिर चलता बजता रहा, यानी कि खाना लकड़ी लाना, ये भंडारी भैया जो है भोजनालय की मौज उड़ा रहा। होते करते भाई दिनों दिन चिंता छाए, पालक करता माँ बापों को दिनों दिन चिंता, काय अवश्य सवा शेर है राजा कीचक, कीचक को जाए कि बताया जाए, ताकि कीचक आएगी अगर मार पीट कर इस तो भंडारियों को नहीं चले।